दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पार्टी पर किया पलटवार। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के नवीन भवन का सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस के पास कहाँ है प्रत्याशी, केवल दल बदलू लोग हैं। कुत्ते को तालाब में फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी उपचुनाव से पहले लगातार बिकाऊ नहीं टिकाऊ नहीं चाहिए के नारे लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के सगे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी, तो क्या वह भी बिकाऊ है। उन्होंने कहा, यह वैचारिक परिवर्तन होता है जो समय समय पर देखने को भी मिलता है, इसमें बिकाऊ जैसी तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा मंत्री अरविंद भदौरिया ने उपचुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सभी नेता चुनाव वाले क्षेत्रों में हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और तत्कालीन सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। अब कमलनाथ किस भाव के साथ जनता के बीच जाएंगे, और बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बीजेपी ने उपचुनाव की संभावना के साथ ही जोरों शोरों से तैयारी भी शुरू कर दी है। वास्तव में 14 तारीख से लेकर सेवा सप्ताह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं। तो जो सेवा के कार्य समाज में हैं, उन कार्यों के माध्यम से नीचे जनता के बीच में जाएंगे। कोई कई सेवा के प्रकल्प हो सकते हैं, कई प्रकार के झुग्गी बस्तियों में सेवा के काम हो सकते हैं, या अन्य प्रकार के कामों के माध्यम से हम नीचे जाने वाले हैं। अभी 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, लोक सेवा प्रबंधन। तो लोक सेवा यानी जन, लोक यानी जन, सेवा यानी उनके पास पहुँचे मैनेजमेंट। तो लोक सेवा प्रबंधन के माध्यम से ऐसे कई योजनाओं का हमने फाइनल किया है। जैसे आपने उदाहरण के लिए बिजली का कनेक्शन के लिए गए, आपका 10 दिन का मानो 11 दिन का समय दिया, अगर आपका नहीं हो रहा तो स्वतः आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका यह कनेक्शन ये काम हो चुका है। तो ऐसे सेवा के रूप में जनता के बीच में 17 तारीख को मैं खुद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सब चीज़ों को बताने वाले हैं। ये नारा दे रहे हैं, मैं तो उनको कहना चाहता, मैं कहना, दिग्विजय सिंह के भाई आए थे लक्ष्मण सिंह बीजेपी में, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह बीजेपी में आए थे, तो दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता, तुम्हारा भाई बिकाऊ था क्या? यहाँ से लोकसभा जीत के गए थे भारतीय जनता पार्टी, यानी तुम्हारा सगा भाई लक्ष्मण सिंह बिकाऊ था क्या? ये तो वैचारिक परिवर्तन होते रहते समय समय पर। आपने इन लोगों के कोई काम नहीं किए, इन लोगों को परेशान किया, इनको लोगों को प्रताड़ित किया, प्रशासनिक प्रताड़ित किया, आर्थिक प्रताड़ित किया, डेवलपमेंट में प्रताड़ित किया। तो ये सब का स्वतः इच्छा शक्ति जगी है, ये हमने लिया नहीं है, उनने इनको भेजा है, तो इसलिए इस प्रकार के बातों से कुछ होने वाला नहीं है। सर एक्टिव हो गए, अब क्षेत्रों में जाना शुरू किया है, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में उनके यहाँ से सूची भी जारी हो गई, तो क्या कहेंगे उनके दौरों को लेकर? वास्तव में कमलनाथ अब शुरू हुए हैं, अब सूची जारी हुई है, अब क्षेत्रों में जाना शुरू हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब ये चुनाव का, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे उसी समय तैयारी शुरू हो गई थी, उसी समय हम लोग सब क्षेत्र में थे। अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज गोहद विधानसभा में एक कार्यक्रम, एक भांडेर विधानसभा में कार्यक्रम, मैं उन कार्यक्रम में रहने वाला हूँ, सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र तोमर जी सब लोग रहने वाले हैं, कल भी एक भिंड में अमाइन में कार्यक्रम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। इसलिए सब कार्यकर्ता मिलकर लगातार जिस दिन से हमको चुनाव का संभावनाएं थी उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। अब कमलनाथ किस भाव को लेकर जाएंगे, वास्तव में देखेंगे तो 15 महीने माप रहे जो अपने वचन पत्र में वादे किए थे, एक पूरा हुआ नहीं। आप कहते 4000 रुपये बेरोजगारों को हम पेंशन देंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक तो दिया नहीं। ऐसी जनता प्रश्न कर रही है, तो इन सबको देख लिया है, इसलिए अब जाने आने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता शिवराज सिंह चौहान के, मुख्यमंत्री के साथ है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।
हिंदी दिवस के अवसर पर अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उपस्थित रहे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। सांवेर में कमलनाथ के अधिकारियों को धमकी देने के बयान पर मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के पास अब यही बचा है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। ध्यान रहे कि इन धमकियों से कोई प्रभावित नहीं होने वाला है, जो सही काम कर रहे हैं वह सही काम करते रहे। कमलनाथ के समय ऐसा होता रहा है कि थानों की बोलियां लगती रही, SDM TI के ऑफिस नीलाम होते थे, वहीं भ्रम में बोले गए। साथ ही कांग्रेस की ओर से CM शिवराज के वायरल वीडियो करने पर मिश्रा ने कहा, तो क्या वे बदला ले रहे हैं? हमने कोई धमकी नहीं दी, जो कहा था वह किया है। साथ ही मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी कहाँ है, केवल दल बदलू लोग है, कांग्रेस का खुद तो कोई प्रत्याशी नहीं है। अधिकारियों कर्मचारियों को धमका रहे हैं, बिल्ले लगा के काम कर रहे हैं। अब यही बचा है कमलनाथ जी के पास, बाकी तो कुछ बचा नहीं। और ये भी उन्हें ध्यान रहे कि इन धमकियों से कोई प्रभावित होता नहीं, जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहेंगे। क्योंकि उनके समय में इस तरह का होता रहा, अधिकारियों के थानों की बोलियां लगती थी, नीलाम होते थे SDM के ऑफिस, TI के ऑफिस, वही भ्रम में बोल गए। अब कांग्रेस सोशल मीडिया पर वही आओ, दल बदलू लोग ही तो हैं उनके पास में, कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी है? कहीं नहीं, डबरा में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है, बमोरी में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है, आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी वही है, और जब पूरी घोषित होगी तो एक दर्जन से ऊपर प्रत्याशी वही होंगे जो बाहर के दलों से होंगे। मैं हम कल भांडेर में गए थे, भांडेर के प्रत्याशी तो अनेक दलों का अनुभव रखते हैं, अनेक पार्टियों का अनुभव है। दरअसल कांग्रेस के पास वहाँ कार्यकर्ता बचे नहीं है, ग्वालियर चंबल अंचल में वहाँ उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है, तो जो प्रत्याशी है अब उसको वो जो मांगते हैं उसे बना देते हैं, बना देते हैं तो जो बचे हैं तथाकथित उनको तकलीफ हो जाती है। खजाना खाली कमलनाथ जी का था, हमने कब का खजाना खाली है? हमने कभी नहीं कहा। और ये किसने कहा कि हमारी घोषणाएँ झूठी हैं? घोषणा झूठना है उनने की जो कर्जा माफ़ी का कहा था, हम तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। सरकार चलाने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो नहीं चला पाए वो। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, सरकार चलाने में और मुंह चलाने में अंतर है। हम चला रहे हैं देखो 15 साल से, वो 15 महीने नहीं चला पाए, सच बात है, मुंह चलाने में अंतर है। उनके बंगले खाली हो रहे हैं वहाँ। देखो ये विषयांतर करने की एक कोशिश है संजय वर्मा की, कहाँ वो लड़ाई और कहाँ ये लड़ाई, कहाँ वो अवैध वैध, वैध को अवैध करके तोड़ने की बात, कहाँ ये वैध को अवैध करने की बात, कहाँ विषयांतर कर रहे हैं ये। अपनी पीड़ा है किसी और फ्लोर पर व्यक्त कर दें और अच्छे से व्यक्त कर दें, अभी बेचारे वैसे उनको आराम करना चाहिए, सज्जन भाई का नाम आज नहीं लेना चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी जोरों शोरों पर है। कांग्रेस ने अपने 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को बची हुई 12 सीटों पर प्रत्याशी चयन पर मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसको लेकर सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में अब लड़ाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच शुरू हो गई है, कांग्रेस गुट और गिरोह में बढ़ गई है। साथ ही विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि कमलनाथ हारने के डर से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। साथ ही विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने को लेकर कहा कि PM मोदी के जीवन का मूल उद्देश्य है जनता की सेवा करना, इसलिए हम उनका जन्म उत्सव सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। मैं आज फिर से वो बात कहूँगा कि आमतौर पर ये सुनिश्चित है कि जब दुकान और शोरूम बंद हो जाता है
तो सेल्समैन मार्केटिंग मैनेजर कोई भी ले आओ, आपका सामान बिकता नहीं है। अब कांग्रेस का शोरूम और दुकान दोनों बंद हो गई। आप 15 प्रत्याशी लाओ चाहे 27 प्रत्याशी लाओ, एक्स लाओ या वाई लाओ, अब मामला जमेगा नहीं। पूरी 27 सीटें कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। देखिए ये चुनौती नहीं होती, ये हताशा होती है। हताश हो गए, 15 महीने में आदत पड़ गई थी दादागिरी करने की और गुंडागर्दी करने की। परंतु इस बात का भी इल्म कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए कि अब यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, अब यहाँ अनाचार की सरकार नहीं है। अब धमकी किसी भी वर्ग को ना आप दे सकोगे, ना कोई वर्ग धमकी देने की स्थिति में रहेगा। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि प्रशासन को इस तरह की धमकी देना जहाँ एक और उनके अहम को प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ साथ इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह प्रशासन को चुनौती देना केवल और केवल हताशा है। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और उनको ये सजेशन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि चुनाव में हारने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं। प्रामाणिकता के बाद अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल वायरस है, अभी पूरी दुनिया इसकी रिसर्च और स्टडी में लगी हुई है। आमतौर पर वायरस की एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद ये सुनिश्चित होता है कि आगे रोग होने के बाद भी व्यक्ति ठीक हो जाएगा, पर अभी इस वायरस के बारे में पूरी तमाम दुनिया में स्टडी चल रही है। पर फिर मैं ये कहूँगा कि इस वायरस से बचना ही इसका इलाज है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस में अब द्वंद्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी में हो गया है। कांग्रेस में अब द्वंद्व राज्य की पीसीसी और देश की एआईसीसी में हो गया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो 15 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है वो एआईसीसी ने घोषित की, उसका पीसीसी से कोई लेना देना नहीं। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, हताशा से भरी हुई कांग्रेस, अपनी हार को आगे भविष्य में देखने के कारण पूरी तरह से हतोत्साहित कांग्रेस इसी तरह के निर्णय लेगी। देखिए आगे क्या होता है। पूरी तरह कांग्रेस अब दिशाविहीन और नेतृत्वविहीन हो गई है। ना मध्य प्रदेश में उसकी कोई स्थिति बची है, ना देश में उसकी। देखिए कोविड की स्थिति निश्चित रूप से लगातार बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है, हर राज्य में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमण के नए केसेज आ रहे हैं, पर उसका एक बड़ा कारण है कि हमने अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी को रोज़ बढ़ाया है। और उसके साथ ही मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोविड की समस्या के निदान के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। प्रदेश में किसी भी स्थान पर बिस्तरों की कमी नहीं है। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं मुझे आश्चर्य है। चाहे बिना ऑक्सीजन के बेड हो, चाहे ऑक्सीजन के बेड हो, चाहे वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, हमारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना के संकट से निपटने को पूरी मुस्तैद है। ये पहली सरकार है जो फ्री में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर ज़िले में हर स्थान पर हमारे इस समस्या के निदान के लिए तत्पर हैं। कोरोना का संकट गहरा है और इसीलिए जनता को भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार के एडवाइजरी का ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने का ध्यान रखे और ये सुनिश्चित करे कि हम अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से, इस महामारी से बचाएंगे। पर जो बीमार हैं मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनको इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। भोपाल में सतपुड़ा भवन में आदिवासी विकास विभाग के वाहन चालक आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर है। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ के बैनर तले ये अपनी 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। इनकी 3 सूत्रीय मांग है जिनको लेकर इन्होंने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है जो वर्षों से वाहन चालक वाहन चला रहे हैं उनको नियमित किया जाए, साथ ही TL की राशि दी जाए और जो वाहन चालकों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा है वह प्रतिबंध खत्म भी किया जाए, साथ ही जो किराए की टैक्सी शासकीय विभागों में लगाई जा रही है वह बंद करके विभाग में नए वाहन खरीदे जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने आज प्रदर्शन किया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो वह आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। साबिर खान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। आज हमारी भोपाल की आदिवासी विकास विभागीय समिति के वाहन चालकों की आज हड़ताल है और ये हड़ताल 3 दिन चलेगी, 14, 15 और 16। छोटी सी मांगे इन अधिकारियों के, विभाग के अधिकारियों के सामने हमारी विभागीय समिति ने रखी, आदरणीय अहमद भाई विभागीय अध्यक्ष हैं, कि कुछ वाहन चालक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं मुश्किल से 1 साल से भी कम बचाए उनको नियमित किया जाए। यहाँ के हठधर्मी अधिकारी उनको नियमित नहीं कर रहे हैं। स्थायी कर्मी का शासन का स्पष्ट आदेश है, यहाँ के अधिकारी वो आदेश भी नहीं कर रहे हैं। और भी हमारे वाहन चालकों की भर्ती के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है, विभाग में टैक्सियाँ लगा रहे हैं लेकिन वाहन चालकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। टैक्सियाँ बराबर लगती जा रही हैं लेकिन सरकारी वाहन किराए नहीं किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन इस टाइम 90% टैक्सी पे ऊपर चल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों रुपये टैक्सी के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं और टैक्सी सिर्फ इसलिए लगाई जा रही हैं कि टैक्सी से उनके जो अन्य काम है जिनको सरकार को वो नहीं दिखाना चाहते हैं, टैक्सी के माध्यम से वो काम किए जा रहे हैं। खूब सैर सपाटे किए जा रहे हैं, बच्चों को, रिश्तेदारों को टैक्सी से घुमाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी वाहन कहीं जाता है तो उसकी एंट्री होती है, उसका एक कोटा निर्धारित होता है। तो सरकार और विभाग दोनों मिलकर टैक्सी प्रथा लगाना चाह रही है, इसका मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ विरोध करता है और निवेदन करता है आप सबके चैनल के माध्यम से कि शासकीय विभागों में वाहन किराए करे, वाहन चालकों की भर्ती के ऊपर जो प्रतिबंध लगा उसे हटाए और वाहन चालकों की भर्ती करे। आदिवासी विकास के जो हमारे वाहन चालकों की जो छोटी सी 3 मांगे हैं, स्थायी करें कर्मचारियों को, नियमित करें कर्मचारियों को, और जो वाहन चालकों की भर्ती पे प्रतिबंध लगा वो हटाए या वाहन चालकों की भर्ती की जाए। यदि विभाग के अधिकारी, अभी 3 दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन है, इन 3 दिवसीय में यदि विभाग के अधिकारी नहीं चेते और आदेश जारी नहीं करा तो ये आंदोलन लंबा जाएगा और वो अनिश्चितकालीन होगा, उसका कोई निर्णय नहीं होगा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो आंदोलन चलता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि हमारी बात मान जाए, अन्यथा आंदोलन का वैसे ही इनको सामना करना पड़ेगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। एक लड़के का कुत्ता से कुर्ता करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि कैसे वह उस मासूम कुत्ते को उठाकर पास के तालाब में जोर से फेंक देता है। वीडियो वायरल होने के बाद पशुओं पर काम करने वाले कई संगठनों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने सोमवार सुबह हनुमानगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सलमान बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ धारा 429 पशु कुर्ता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। कब का वीडियो है? ये 10 तारीख का वीडियो है। क्या सोच के बनाया था? सर ये बनाया ऐसे ही बन गया था, किसी ने उसको वायरल कर दिया। तुम ही हो ना कुत्ते को फेंक रहे हो तालाब में, क्यों फेंका था तुम? गलती हो गई, तुम्हें फेंक दूं उठा के? सबसे ही माफी मांगने का। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्र के मोहल्ला बिकनपुरा मायामाय मंदिर के पास रहने वाले महेंद्र सिंह पीड़ित ने कुछ दूर पर रहने वाली एक महिला से किसी काम के लिए 50,000 रुपए लिए थे। पीड़ित ने कुछ दिन बाद 4200 रुपए बैंक के माध्यम से वापस लौटा दिए थे और 8,000 रुपए उसके घर जाकर पति और बेटे के सामने महिला को हाथ में दे दिए थे, लेकिन महिला की बदनीयती और पैसे हड़पने की थी। पीड़ित के घर पर शादी का काम चल रहा था, तभी महिला ने अपने पति और कुछ दबंग साथियों के साथ मिलकर मेहमानों के सामने गाली देना शुरू कर दी।
पीड़ित ने अपनी इज्जत की वजह से 22,000 रुपए मेहमानों के सामने महिला को दे दिए। उसके बाद भी महिला अपने साथियों के साथ मिलकर फोन पर पैसों की मांग करती रही और धमकी देती रही, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत मरवाड़ चौकी पिलखुआ में दे दी। चौकी इंचार्ज ने पीड़ित की मदद करने के बजाय आरोपी के साथ मिलकर ही पीड़ित को चौकी में बंद कर दिया और बुरी तरह से पीड़ित के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत एसपी हापुड़ से की। एसपी ने पिलखुआ सीओ को जांच करने के आदेश दिए, लेकिन अब देखना यह है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है या फिर पीड़ित ऐसे ही दर दर ही ठोकर खाता रहेगा और न्याय की गुहार लगाता रहेगा। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।